मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की जलवायु, उर्वरक कृषि भूमि के चलते कृषि प्रधान जिले के तौर पर सदैव जिला सुर्खियां बटोरता रहता है। यह जिला अब एक बार फिर सुर्खियों में है। जिले ने लगातार तीसरी बार अपना कीर्तिमान बरकरार रखते हुए चने की रिकॉर्ड तोड़ उपज की है। नरसिंहपुर के मुगली गांव में रहने वाले 80 वर्षीय कृषक सीएस तिवारी को कृषि क्रमण अवार्ड के लिए चयनित किया गया। 115 एकड़ जमीन पर कृषि कार्य करने वाले सीएस तिवारी ने जिले में चना, गेहूं और गन्ने के लिए सदैव नए बीजों की उपलब्धता और नई तकनीक पर काम किया है। इस बार उन्होंने अपनी 2 एकड़ की जमीन पर 48 क्विंटल चने का उपार्जन किया। इसको लेकर उन्हें जिले में सबसे सर्वाधिक पैदावार प्राप्त करने वाले कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया। नरसिंहपुर जिला तो मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश के लिए पंजाब हरियाणा से कम नरसिंहपुर जिला नहीं है। यहाँ की जो प्राकृतिक देन है, यहाँ की ज़मीन, यहाँ की आब हवा, यहाँ का भूजल स्तर और यहाँ के लोग सभी इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी किस्म के टारगेट को अगर ठान लें कि अचीव करना है तो अचीव कर सकते हैं। चना आपने अपने खेत पर प्रैक्टिकल स्वरूप लगाया 2 एकड़ में, कौन सी वैरायटी थी और कैसे उसको आपने पाला पोसा और जो आप टारगेट लक्ष्य पूरा कर पाया? जी 63 किस्म का मैंने उत्पादन किया था। 2 एकड़ का प्लॉट मैंने तैयार किया था। इसमें सबसे पहले बारिश में ग्रीन मैन्योरिंग के बतौर ढेंचा लगा के उसको जोत के मिट्टी मिलाया और बरसात के पहले ही मैंने उसमें प्रेस मड भी डाल दी थी फैक्ट्री से लाके, गन्ने फैक्ट्री से लाके। जीएसआर टाइम्स के लिए नरसिंहपुर से सतीश दुबे की रिपोर्ट।